हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। यूं तो मौत के सौदागर अंडरटेकर कई खतरनाक कामों के लिए ही जाने जाते थे, पर उन्हें खतरनाक रेसलर ऐसे ही नहीं कहा जाता है दोस्तों। वे ऐसे रेसलर हैं जो कई बार खतरनाक परिस्थितियों से बचकर आए हैं। एलिमिनेशन चैम्बर में अंडरटेकर को 3 बार बुक किया गया, पर साल 2010 का एलिमिनेशन चैम्बर मैच ऐसा मैच था दोस्तों जहाँ एंट्री के दौरान अंडरटेकर जल गए। क्या हुआ था, कैसे आग की चपेट में आ गए थे डेडमैन, चलिए जानते हैं इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं डेडमैन के बारे में। मौत के सौदागर ने इस सर्वाइवर सीरीज 2020 से रिटायरमेंट ले लिया है। डेडमैन ने जब स्टोन कोल्ड के ब्रोकन स्केल सेशन में दूसरी बार दस्तक दी थी तो तब उन्होंने इस खतरनाक एक्सीडेंट के बारे में बताया था। डेडमैन ने यह भी कहा था कि वह उस पायरो वाले को ढूंढ भी रहे थे ताकि वह उसे कूट डाले, क्योंकि उसने डेडमैन को आग से झुलसा दिया था। द फिनोम अंडरटेकर ने बताया था कि कुछ दिन पहले उन्होंने उस इंसान से बात भी की थी जिस कारण पायरों में दिक्कत आई थी और अंडरटेकर जल गए थे। WWE लेजेंड अंडरटेकर ने बताया था दोस्तों कि कुछ दिन पहले उस इंसान से उनकी बात भी हुई थी जिस कारण पायरों में दिक्कत की वजह से अंडरटेकर फंस गए थे और झुलस गए थे। इस खतरनाक एक्सीडेंट में अंडरटेकर के कोट में भी आग लग गई थी और जल्दबाजी में उन्होंने कोट फेंक दिया था, फिर ठंडी पानी की बोतल उनके सर में डाली गई थी। हमने इस वीडियो के शुरुआत में आपको पूरा वीडियो भी दिखाया था। अंडरटेकर ने कहा, मैं उस वक्त काफी हैरान हो गया था क्योंकि मेरी चेस्ट पर जलन हो रही थी। मैंने जब अपने शरीर को देखा तो वह लाल हो गया था, मेरे शरीर पर पानी डाला गया था फिर भी जलन हो रही थी। मैंने काफी कोशिश की कि मैं उस चीज पर ध्यान न दूं, पर मैं उस पायरो वाले इंसान को मारना चाहता था जो वहां था। एलिमिनेशन चैम्बर 2010 के उस मैच में जॉन मॉरिसन, आर ट्रूथ, क्रिस जेरिको, रे मिस्टीरियो, सीएम पंक जैसे दिग्गज थे। यह ऐसा मैच था दोस्तों जहां डेडमैन को हार का सामना करना पड़ा था। खैर, सर्वाइवर सीरीज 2020 में अंडरटेकर को फेयरवेल दे दिया गया है दोस्तों। अब कहा जा रहा है दोस्तों कि मौत के सौदागर दोबारा रिंग में नहीं आएंगे, पर मुझे लगता है दोस्तों कि अंडरटेकर का रिटायरमेंट तो कई बार हो चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या डेडमैन दोबारा रिंग में आएंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों और काफी रुपया पैसा लगता है, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।